हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं चिंकीज बाइट में लेके आई हूँ मानसून स्पेशल अरवी के पत्ते की सब्जी। गुजरात में इसे पात्रा बोलते हैं और कई लोग इसे अरवी पत्तोड़ भी बोलते हैं। तो चलिए, अरवी के पत्तों की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 4 से 5 अरवी के पत्ते लिए हैं। इन्हें साफ पानी से धोकर कपड़े से पोंछ लिया है और इनकी जो ये थोड़ी सी डंडी निकली हुई है इसे मैंने कैंची से काट लिया है। अरवी के पत्ते आपको किसी भी सब्जी वाले के पास या सब्जी मार्केट में आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन मैंने तो इन्हें छत पर ही उगा रखा था गमले में, इसलिए ये कुछ पत्ते बड़े और कुछ छोटे हैं। चलिए, फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पर 2 कटोरी बेसन लिया है, इसमें स्वाद अनुसार नमक, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा, थोड़ी सी हींग, मौन के लिए 1 बड़ा चम्मच तेल, 1 चुटकी मीठा सोडा या बेकिंग सोडा डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब पानी डालकर इसे मैं एक अच्छा सा बैटर बना लूँगी। इसे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में पानी डालकर मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ ताकि इसमें लंग्स ना रह जाए। देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा और ना ज़्यादा पतला। चलिए, अब इन पत्तों में से कुछ पत्ते तो छोटे हैं और जो बड़े हैं मैंने उन्हें ऐसे कैंची या चाकू की मदद से 2 पीस में काट लिया है। तो चलिए, अब इस बैटर को हम ऐसे अरवी के पत्तों पर स्प्रेड करेंगे। पत्ते को आप उल्टा रखो या सीधा, डजंट मैटर, आप कैसे भी इसे यूज कर सकते हैं। देखिए, एक पत्ते पर मैंने इसे स्प्रेड करा है, उसी पत्ते पर दूसरा पत्ता रखकर एक बार और इसे स्प्रेड कर दिया है और बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से अब मैं इसे फोल्ड कर ऐसे रोल बना लिया है। सेम इसी प्रोसेस से मैंने सारे पत्तों पर इस बैटर को अप्लाई कर यह स्प्रेड कर 3 से 4 ऐसे रोल बना लिए हैं। बारिश के सीज़न में ये अरवी के पत्ते बहुत इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, तो आप भी मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ी सी मेहनत लगती है बट यकीन मानिए ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए, ये रोल हमारे सारे तैयार है। चलिए, अब हमें इन्हें स्टीम करना है। स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में थोड़ा सा पानी ऐड कर ऐसे स्टैंड लगाया है और एक स्टील की छन्नी लेकर मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर दिया है। सारे रोल्स को मैं ऐसे छन्नी में स्टीम होने के लिए रख देती हूँ। आप चाहें तो स्टीमर का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं तो इसे माइक्रोवेव में बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने आपकी सुविधा के लिए ऐसे देसी जुगाड़ के साथ इसे बनाया है। ध्यान रखिएगा, जो हमारी छन्नी है वो पॉट की बॉर्डर से नीचे ही होना चाहिए ताकि प्लेट या थाली इस पे आसानी से ढका जाए और स्टीम इसमें बाहर ना निकले। चलिए, स्टीम करने के बाद मैंने इन्हें ठंडा कर ऐसे छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। फ्राई करने के लिए यहाँ एक पैन में 2 बड़ा चम्मच ऑयल ऐड किया है। मैंने यहाँ पर सरसों का तेल यूज़ किया है, ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसके गर्म होते ही मैंने इसमें राई और जीरा तड़का लिया है। अरवी के पत्तों की सब्जी में तिल्ली का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने यहाँ पर 2 छोटा चम्मच तिल्ली भी ऐड की है। अब इस झोंक में थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर मैंने ऐड किया है और सारे पित्तोड़ हमारे मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। वैसे तो हमने बैटर में भी नमक यूज़ किया था, लेकिन हल्का सा नमक हम स्वाद अनुसार ऊपर से भी इसमें स्प्रिंकल कर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो चलिए, ये तैयार है हमारी गर्मा गर्म अरवी के पत्ते की सब्जी। मैंने तो इसे बारीक कटी हुई धनिया पत्ती से गार्निश करके ग्रीन चटनी के साथ ऐसे ही खाया है, लेकिन आप चाहें तो इसे रोटी या पराठे के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आप भी इसे सब्जी के फॉर्म में या स्नैक्स के साथ इंजॉय कीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।